नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। ये सीरीज हमारे पर्सनल एनिमल्स जो हैं, हमारे डेयरी फार्म के एनिमल्स और हमारे जो पेट्स हैं, डॉग, रॉटवाइलर्स और भी कुछ ब्रीड्स हमने पाल रखे हैं, उसके बारे में रहेगा। खास करके कि आप अगर डेयरी करना चाह रहे हैं और या फिर डॉग कैनल करना चाह रहे हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा हमारे थ्रू कि भाई डेयरी फार्म यदि चलाना है तो क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, कैसे आप डेयरी फार्म में इम्प्रूव करेंगे खुद को, कैसे डेयरी फार्म को स्टेबल तरीके से चलाया जाए, इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। ख़ासतौर पर हम अपने एनिमल्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे एक व्लॉग की तरह कि हाँ भाई कि हम गाय पाल रहे हैं तो क्या हमारा जो इमोशन है गायों के प्रति, हमारे जानवरों के प्रति, वो हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मशीन की तरह यूज़ कर रहे हैं जानवरों को, तो इस विषय में रहेगा। आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास जो डेयरी है, लगभग 350 लीटर प्रोडक्शन अभी हमारा। एनिमल्स सारे हमारे पास अच्छे हैं, अभी थोड़ी सी आउट कंडीशन है और थोड़ा सा अभी साफ़ सफाई नहीं रह पा रहा है। कारण आप जान रहे हैं कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, यही रीज़न है हम जानवरों को भी नहला नहीं रहे हैं। ये देख सकते हैं शेड नेट लगा हुआ है साइड साइड में। यदि हम रात को देखें देखेंगे तो आप रात की वीडियो में डालूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा कि शेड नेट पूरी तरह से नीचे कर दिया जाता है ताकि अंदर का जो टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ा हुआ रहे, ठंड कम लगे जानवरों को। तो फ्रेंड्स, यही बता रहा कि नई सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। हम इसके अलावा जो है पर डे का प्रोडक्शन जो हमारा होता है, वीकली क्या प्रॉफिट आ रहा है, वीकली या हर 10 डेज में कितना खर्चा होता है, क्या इनकम है, ये हम बताएंगे। ये अब यहाँ से डेली देख सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन यहाँ के हिसाब से एक ये हमारे एक अच्छा डेयरी फार्म है कोरबा क्षेत्र में। टॉप 3 डेयरी फार्म में से एक है हमारा डेयरी फार्म। ये बच्चे हैं, ये बुल है हमारा, थोड़ा सा बदमाश है। ये डेयरी फार्म में हमारा एक व्यू है दूर से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।